फेम इंडिया प्रोग्राम के बारे में। फेम इंडिया प्रोग्राम मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेम ये पूरा नाम है फेम का। तो ये जो फेम इंडिया प्रोग्राम है आखिर क्या है? तो फेम इंडिया प्रोग्राम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये किसके द्वारा संचालित है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है ये, और कौन सा मिशन इस पर काम कर रहा है। तो जो फेम इंडिया प्रोग्राम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम, ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? वो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। और इसको जो मिशन देख रहा है, जिस मिशन के तहत चलाया जा रहा है, उसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन, NEMM। किस मिशन के द्वारा चलाया जा रहा है, किस मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है ये पूछा जाए तो आप बताएंगे नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन के तहत इस फेम इंडिया कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। क्लियर। अब हम कंपेयर कर लेंगे कि एक नॉर्मल व्हीकल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या तुलना होती है, कंपेयर करके देख लेंगे क्या क्या इनमें समानताएं हैं, क्या क्या इनमें भिन्नताएं हैं। सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉर्मल व्हीकल तो हम कार के सेंस में देखेंगे, चाहे वो नॉर्मल व्हीकल कार हो चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक कार हो, ठीक है, चाहे वो नॉर्मल कार हो या फिर इलेक्ट्रिक कार हो। तो जैसे नॉर्मल कार होती है, नॉर्मल व्हीकल है, तो उनमें क्या फ्यूल टैंक होता है। आपकी कोई नॉर्मल कार है उसमें आप फ्यूल भराओगे कि नहीं? फ्यूल टैंक होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? इंटरनल कम्बशन इंजन होता है, मतलब उसमें क्या होता है, जो फ्यूल है, जैसे आपने तेल पेट्रोल वगैरह अपनी कार में डलवाया तो उसमें फ्यूल जलता है, फ्यूल उसमें जलेगा, वर्न होगा, ठीक है, तब आपकी कार रन करती है। तीसरी चीज ये है कूलेंट सिस्टम होता है, कूलेंट सिस्टम जो कि आपकी कार के इंजन को कूल रखता है। जैसे एक ग्रीन कलर का आपने देखा होगा, तो कूलेंट इंजन में जो आगे जहाँ इंजन होता है वहाँ एक पाइप में डाला जाता है, एक पूरी बोतल उसमें भरी जाती है। उससे क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी अगर दौड़ रही है तो गाड़ी गर्म होगी, इंजन गर्म होगा, मगर कूलेंट सिस्टम से गाड़ी गर्म नहीं होती है, वो कूल रखता है गाड़ी को, ठीक। और चौथी चीज क्या है इसमें? गियर बॉक्स होते हैं। आपके पास नॉर्मल व्हीकल है, नॉर्मल कार है, तो उसमें गियर होंगे, ठीक, 1-5 होते हैं, पहले 4 हुआ करते थे, छोटी गाड़ियां थी, 1-5 एंड बैक गियर होता है, ठीक है। तो गियर बॉक्स भी उसमें होता है। एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, वही जब आपका जो फ्यूल है फ्यूल बर्न होगा तो आप देखोगे जो कार का साइलेंसर होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसमें से गैसें निकलती हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम भी होता है इसमें, साइलेंसर जिसको बोलते हैं, उसमें से गैसें वगैरह भी निकलती हैं। तो ये क्या है, सारे फीचर्स एक नॉर्मल व्हीकल या नॉर्मल कार के हैं। सेम फीचर्स अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें तो इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक कार में देखेंगे आप, इसमें फ्यूल टैंक नहीं होता। जैसे नॉर्मल टैंक में, नॉर्मल व्हीकल में क्या था? फ्यूल टैंक था। इसमें फ्यूल टैंक की जगह क्या हो गया? वो इलेक्ट्रिक बैटरी हो गया, ठीक है। फ्यूल टैंक नहीं होता, इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, ठीक है। इसमें क्या है? मोटर होती है, ठीक, गियर नहीं होते, इसमें मोटर होती है, एसी डीसी मोटर, ठीक। इन्वर्टर होता है, जैसे यहाँ पे फ्यूल की जरूरत थी उसके लिए नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर की जरूरत हो सकता है, आप चार्जिंग कीजिए और आपको एज ए फ्यूल मिल जाएगा इसमें, ठीक है, आपको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है ना कि किसी फ्यूल की जरूरत है, तो इन्वर्टर होता है इसमें। साथ ही साथ जैसे कि इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम था नॉर्मल कार में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रदूषण वाले जो गैसें हैं वो निकलती थी, जो कि एटमॉस्फेयर के लिए भी नुकसान दिया, हानिकारक थी, ठीक। इलेक्ट्रिकल व्हीकल या कार की हम बात करें तो इसमें कोई पोल्यूटेंट नहीं मिलते हैं, मतलब कार्बन डाई उत्सर्जन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों के उत्सर्जन नहीं होते हैं। आपने कहीं देखा इलेक्ट्रिकल कार में? कहीं ऐसा नहीं होता है कि उससे धुआं निकले या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले।
तो दोनों की फीचर्स की हमने कंपेयर कर लिया, अब देख लेंगे कि आपको कौन से व्हीकल खरीदने से फायदे होते हैं, ठीक है, क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फायदे और नुकसान देख लेंगे, ये आप लोगों ने लिख लिया, ठीक। अब देख लेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फायदे और नुकसान की बात कर लेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इधर हम देख लेंगे वो फायदे लिख लेंगे और एक तरफ साथ ही साथ नुकसान प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो फायदे में क्या है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं मतलब एनर्जी को ये बचा सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। इनमें अभी आपने देखा नो एग्जॉस्ट सिस्टम, इनमें कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होता है मतलब जिससे प्रदूषण वगैरह हो, नो एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा लिख लीजिए इसको, चाहे लिख लीजिए तो सही, ठीक है। वही आप देखेंगे नुकसान क्या होंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो स्पीड है या ड्राइविंग रेंज है वो ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर तक होती है, हाँ इसकी जो इलेक्ट्रिक रेंज है वो 150 किलोमीटर, मतलब आप एक बार चार्ज करेंगे तो 150 किलोमीटर तक ही चला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चला सकते, फिर से आपको चार्ज करनी पड़ेगी। और चार्जेबल जो पोर्ट होता है या समय होते हैं वो 4 से 8 घंटे में चार्ज होती है। चार्जेबल पोर्ट वो 4 to 8 आवर्स, तो 4 से 8 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज होगी इस इलेक्ट्रिक कार की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आपने फायदे और नुकसान देख लिए। ठीक, फायदे क्या है कि एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, दूसरा इसमें कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होता है, नुकसान की अगर बात देखें तो वो इलेक्ट्रिक रेंज आपकी 150 किलोमीटर है कि मतलब एक बार में आप चार्ज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर जा सकते हैं, और वहीं चार्जेबल पोर्ट जो होता है वो 4 से 8 घंटे का समय लगता है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी को चार्ज होने में। ठीक है, तो ये नुकसान है भाई, आप 150 किलोमीटर चले फिर आपको इंतजार करना है 4 से 8 घंटा, फिर 150 किलोमीटर चलोगे तो नुकसान है। ठीक है, अब देख लेंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं। ठीक, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख लेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल,
कितने प्रकार के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं? तो एक तो होता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक होते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दूसरे में पढ़ेंगे इसमें हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड मतलब वो संकर प्रजाति के मिलते जुलते, नॉर्मल व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आ जाएंगे, ठीक। तो बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में तो अभी आपने पूरा डिटेल में जान लिया था, इनमें बैटरी होती है, ठीक है, इनमें बैटरी होगी, नवजात सिस्टम होगा। अब बात कर लेंगे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। ये बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो वो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उसके सारे फीचर्स, ऑल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करेंगे। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इसमें क्या होता है, एक तो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है, इंजन ये किसमें होता था, नॉर्मल कार में, ठीक है, जो कि हाइब्रिड है तो दोनों को मिला के या मिल दोनों के फीचर्स को शामिल किया गया। तो एक तो इसमें आईसी इंजन होगा, ठीक है, इसके फायदे क्या है कि इसकी स्पीड हाई होती है, मतलब हाई स्पीड पर चलते हैं, इसलिए क्या है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, हाई स्पीड पर चलते हैं। जब इंटरनल कंबस्टिंग इंजन है तो, और साथ ही साथ क्या है इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक बैटरी, इसमें क्या है इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक बैटरी। देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक बैटरी वाला फीचर्स कौन सा है, वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, ठीक, और ये आईसी इंजन वाला नॉर्मल व्हीकल्स का, तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों के फीचर्स को जोड़ दिया और बन गया वो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। अब दोनों के फीचर्स जोड़ दिए एक ही गाड़ी में। अब इसमें क्या फायदे हैं हाइब्रिड से कि अब आपको क्या है, अगर आपके मान लीजिए जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है उसका बैटरी भी डाउन हो जाती है तो आपको 4 से 8 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपके पास अगर आईसी इंजन है उसमें तो आपके पास फ्यूल होगा, आप उस पर रन कर सकते हैं फिर, ठीक है, और आप अपने डेजिग्नेशन तक पहुंच जाएंगे, गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, फिर आप चाहे वहां पूरा चार्ज कर लीजिए, तो इसमें आपको इंतजार नहीं करना, ये फायदा है इसमें, ठीक है। मतलब इसमें दोनों चीजें हो गई, इनमें दोनों चीजें हैं, अरे फ्यूल वाला भी है, इसमें फ्यूल क्यों नहीं पड़ेगा, आईसी इंजन है तो फ्यूल पड़ेगा, ठीक है, मतलब फ्यूल टैंक भी है, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक बैटरी भी है इसमें, ठीक, दोनों चीज है, तो ये फायदा है। ये बस ये है कि जब आपका आईसी इंजन पे हाई इलेक्ट्रिक कार चलेगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रिक बैटरी मोड पर आ जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है लो स्पीड पर चलती है। ठीक है, और वहीं बैटरी वाले में जैसे बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं तो वो तो लो स्पीड पे चलेंगे क्योंकि उसमें
ऐसे इंजन का मतलब ही नहीं है और आपको इंतजार करना पड़ेगा 150 किलोमीटर चलने के बाद। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या कार्स में ऐसा नहीं है। तो आपने फेम के अंतर्गत जो चलाया गया कार्यक्रम है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री चला रही है, जो मिशन है नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन है, इसके तहत चलाया जा रहा है। आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और नॉर्मल व्हीकल की आपने कंपेयर कर ली, दोनों के फीचर्स को कंपेयर कर लिया, आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फायदे देख लिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की भी आपने दोनों टाइप देख लिए, एक तो वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरा हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में देख लिया। ठीक है, बैटरी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है या कार है उसके सारे फीचर्स जो कि बताए गए थे अभी, इलेक्ट्रिक बैटरी के या इलेक्ट्रिक व्हीकल के सारे फीचर्स इसमें रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स रहेगी, इलेक्ट्रिक बैटरी रहेगी, नॉर्ड सिस्टम रहेगा। ठीक, वही हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आईसी इंजन तो रहेगा ही। हाइब्रिड का मतलब होता है संकर, मतलब एक नॉर्मल को और एक विशेष को जोड़ दिया, ठीक है, उससे जो बना वो हाइब्रिड हो गया। ठीक, तो आपने नॉर्मल कार के फीचर्स एक जोड़ दिया इसमें, वो फीचर्स क्या था, आईसी इंजन ये जोड़ दिया। आईसी इंजन वो किस पे काम करेगा, फ्यूल टैंक पर काम करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, वो इलेक्ट्रिक बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक, तो ये फीचर्स किसका था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो आपने दोनों के फीचर्स को जोड़ दिया और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना। अगर आपकी कार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार या व्हीकल वो आईसी इंजन मोड पर दौड़ेगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और वहीं अगर इलेक्ट्रिक बैटरी मोड पर दौड़ेगी तो उसकी स्पीड कम होगी, लो स्पीड पर चलेगी। नहीं नहीं, उसका मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चलेगा। ठीक है, हाँ नहीं, इसलिए उसमें क्या है, लो स्पीड पर चलती है, इसलिए वो लो स्पीड। जैसे आपने देखा होगा अभी इलेक्ट्रिक कार्स तो यहाँ नहीं आई हैं, जैसे बता भी दिया है इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह आ गए हैं, आप इसको में देखोगे उसमें गियर नहीं होता है। ठीक, उसके बाद आप कान ऐडते जाइए और जितनी कितने भी फिर ऐड देखो, जितनी कैपेसिटी है उसकी, ठीक, उतना ही दौड़ेगी। ठीक है, बस फायदा ये है कि आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे, इनको प्रायोरिटी देंगे, तो पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, रोकने के लिए बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण है उसको रोका जा सकता है। सरकार की यही मंशा रही है फेम इंडिया कार्यक्रम चलाने के पीछे, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा मिले, उनके प्रयोग को बढ़ावा मिले, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, उस पर रोक लगे या उस पर नियंत्रण लगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, चार्ज करना पड़ेगा, आप ना भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल है आप चार्ज भी ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आईसी इंजन है, आप फ्यूल खर्च कीजिए, और जब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया ही है तो चार्ज भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये कि आप को अगर आप सिर्फ नॉर्मल इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बजाय, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, वो चार्ज करना है आपको, चार्जेबल पोर्ट में 4-8 घंटे लगता है। अगर आप वहीं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आपका अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक बैटरी भी डाउन हो गई है, तो आप अगर रास्ते में है, आपको अगर 200 किलोमीटर जाना, तो आप 50 किलोमीटर आईसी इंजन मोड पे चला सकते हैं, आपके पास फ्यूल है तो, और फिर आप अपने घर पहुंच के उसको चार्ज कीजिए। ठीक, तो सरकार की मंशा ये है फेम इंडिया कार्यक्रम को चलाने की, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके प्रयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जिससे पर्यावरण, जो वायु प्रदूषण होता है पर्यावरण में, तो उस वायु प्रदूषण को नियंत्रण करना या रोकना। ठीक, क्लियर हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।